तो जब आप वजीर एक्स को इंस्टॉल कर लेंगे, अगर आपने वजीर को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाइएगा, वहां वजीर एक्स डाउनलोड करने का पूरा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वजीर एक्स को आप डायरेक्टली जो है इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। तो आप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जब आपके पास वजीर एक्स डाउनलोड हो जाएगा तो जो जो प्रोसेस किया जाएगा, केवाईसी वगैरह सारा डिटेल भर दीजिएगा, बैंक अकाउंट डिटेल भर दीजिएगा और वहां पर जो है आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट कैसे किया जाता है मैं आपको यहां बता देता हूं। तो जब आप बैंक डिटेल और केवाईसी अगर पूरा कर देंगे तो आपको यहां पर लॉगिन करके यहां चले आना है वजीर एक्स में आईएनआर में सेक्शन में। जब आप आईएनआर सेक्शन में आएंगे तो आपके नीचे यहां पर दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, एक है डिपॉजिट एंड विड्रॉ। इसका इंटरफेस बिल्कुल इजी टू यूज है, कोई भी बंदा आसानी समझ के यहां पर काम कर सकता है। तो मुझे सबसे पहले आपको इथेरियम बाय करने के लिए आपको यहां पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपीस आईएनआर डिपॉजिट करना पड़ेगा। आईएनआर डिपॉजिट करने के लिए दो तरह के ऑप्शन है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट है। आप दोनों में चाहे जो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं स्टैंडर्ड डिपॉजिट में यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। जब आप यहां पर सिलेक्ट करें, कंपनी का बैंक डिटेल यहां पर दिया हुआ है, इस बैंक डिटेल में आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप पेमेंट उसी बैंक से कीजिएगा जिस बैंक को आपने लिंक किया है वजीर एक्स में, यानी कि वजीर एक्स का प्रोफाइल को फिलअप करते टाइम जिस बैंक अकाउंट को आपने वहां पर फिलअप किया था, जो डिटेल्स डाला था, उसी बैंक डिटेल से आपको यहां पर कंपनी को पेमेंट करना है। अदर बैंक से आप करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए बेस्ट होगा कि आप उसी बैंक से डालिएगा जिस बैंक को आपने वजीर एक्स के साथ लिंक किया हुआ है। तो यहां पर पेमेंट डालना है, मैंने एक्चुअली पेमेंट डाल दिया अभी दो मिनट पहले। अब मैं यहां पर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर एड ट्रांजेक्शन डिटेल यहां पर दिया हुआ है, इसमें से आपको क्लिक करना है, यहां पर एड ट्रांजेक्शन डिटेल सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आईएमपीएस डालिएगा, एनईएफटी किया तो ये सिलेक्ट कर देना, आरटीजीएस ये है, यूपीआई तो ये, ठीक है। तो मैंने आईएमपीएस किया है यूपीआई के थ्रू, गूगल पे से किया है, फोन पे, वो सारा आईएमपीएस के थ्रू ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहां पर सारा डिटेल भर लीजिए, यहां अमाउंट डालना है, यहां 12 डिजिट का जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है, जब आप पेमेंट करेंगे तो यहां यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वो डालना है। इसके बाद यहां री इंटर कर देना है, सेम टू सेम यहां पर बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, रिमार्क में कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहां डाल लेता हूं वीडियो पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल सारा को डाल दिया है, यहाँ पर अमाउंट वगैरह, यहाँ पर 12 डिजिट का ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो डाल दिया है, यहाँ पर रिमार्क मैंने कुछ डाल दिया। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, ये मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका जो है रिक्वेस्ट है सबमिशन का, यहाँ पर रिक्वेस्ट आपका लग गया है और यहाँ पर देखिए शो कर रहा है प्रोसेसिंग डिपोजिट, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिपोजिट, जब तक ये प्रोसेसिंग डिपोजिट है थोड़ा सा वेट करना है, कभी 5-10 मिनट में हो जाता है, कभी आधा घंटा, कभी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है इसके ट्रांजेक्शन पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों मेरे पास जस्ट इंस्टेंट यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5018 रुपए हो चुके हैं, पहले मेरे पास 18 रुपए था। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देखिए सारा चीज डिटेल यहाँ देख सकते हैं। और फिर से आपको मेन्यू ऑप्शन में यहाँ पर मेन पेज पर आ जाना है, जब आपके पास यहाँ पर अकाउंट दिखा देगा सफिशियंट मात्रा में, तब आप यहाँ से इथेरियम को बाय करने का नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर डिपॉजिट कर दिया है, अब मुझे बाय करना है इथेरियम को, ठीक है। तो यहां पर मार्केट में चले आना है, नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट पे, तो मैं मार्केट पे क्लिक कर देता हूं और देखता हूं इथेरियम कहां पे है, ठीक है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इथेरियम किससे बाय करना चाहते हैं, यूएसडीटी से बाय करना चाहते हैं, बिटकॉइन से बाय करना चाहते हैं, एसटीएफ या पीयर टू पीयर जो करना चाहते हैं। तो अगर आप आईएनआर से करना चाहते हैं फर्स्ट में आपको यहां पर क्लिक करना है, अगर आप यहां पर कर देंगे तो बिटकॉइन से बाय कर सकते हैं, और यहां पर क्लिक करेंगे आईएनआर में तो इंडियन रुपीज से बाय कर सकते हैं, जो मैंने यहां पर डिपोजिट किया हुआ है। तो मैं आईएनआर को यहां पर रहने देता हूं क्योंकि मैं इंडियन रुपीज से बाय करने वाला हूं। तो इथेरियम पर क्लिक कर लेते हैं, ये रहा मेरा इथेरियम, इथेरियम मैंने क्लिक कर लिया। ये प्राइस अगर देख रहे हैं, ये करंट प्राइस है 18,697.6 है, ठीक है, ये फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो मैं यहां पर नीचे एक ऑप्शन है, देखिए यहां पर लोगो दिया हुआ बाय एंड सेल का, वजीर एक्स का लोगो पड़ा हुआ है, तो यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पर देखो एक चीज यहां ध्यान रखिए, यहां पर सिंपल सा दो इंटरफेस है, बाय एंड सेल। अगर आप सेल करना चाहते हैं सेल सिलेक्ट करेंगे, बाय करना चाहते हैं बाय, ठीक है। आप यहां चाहे तो अमाउंट भी सेट कर सकते हैं, लोएस्ट प्राइस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका लोएस्ट प्राइस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इथेरियम जब कम रेट हो जाए, 18,000 के आसपास हो जाए या फिर 17,000 के आसपास हो जाए, तब ऑटोमेटिक बाय हो जाए, तो आप यहां प्राइस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जब ये कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बाय हो जाएगा, लेकिन मैं यहां पर जस्ट आपके सामने इंस्टेंट को बाय करने वाला हूं, तो यहां पर मैं कुछ नहीं करता हूं, लोएस्ट प्राइस पर क्लिक कर देते हैं। और यहां पर जो है आप चाहें तो डायरेक्टली देखिए यहां पर अमाउंट दिखाएगा, यहां पर 5018 रुपए हैं,
और अगर आप चाहें तो उसमें 50%, 75%, 100% जो है सो बाय कर सकते हैं। और आप जितने का चाहते हैं आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं इथेरियम में। अगर आप रुपीस में डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप 4,000 का बाय करना चाहते हैं 4,000 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 100% सारे डॉलर का, सारे जो रुपये हैं उसका बाय करने वाला हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो नीचे 100% पे क्लिक कर लेते हैं, यानी कि टोटल मेरा जो है सो बाय हो जाएगा। बाय होने पर थोड़ा बहुत लगभग 10 से 15 रुपये या 8-10 रुपये के आसपास ट्रांजेक्शन फी कटता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। और सिंपल यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है सो स्क्रॉल करना है, लेफ्ट टू राइट कर देना है। यहाँ पर दिखा हुआ है साइड टू कंफर्म, तो ये कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर साइड कर दिया हुआ है। तो ये मेरा कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद मेरे पास मैसेज भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा कि आपका जो एथेरियम का बाय है वो कंफर्म हो चुका है। तो हम चलिए फिर से फंड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं मेरा एथेरियम बाय हुआ ही नहीं है। तो देखिए INR यहाँ से मेरे पास कट चुका है, यहाँ पर 6.72 रुपये बचे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे आने के बाद यहाँ पर देखिए इथेरियम मेरे पास बाय हो चुका है। ये रहा टोटल 0.544 इथेरियम, और पहले से मेरे पास कुछ इथेरियम बाय हुए थे, टोटल मिलाकर यहाँ पर 0.544 इथेरियम हो चुका है। ठीक है, अब इस इथेरियम को आपको ट्रांसफर करना है ट्रस्ट वॉलेट में, क्योंकि आपको फोर्सेज में ज्वाइनिंग के लिए ट्रस्ट वॉलेट में जरूरी पड़ता है, आपको वहां पर ट्रस्ट वॉलेट में इथेरियम को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर इथेरियम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन सिंपल सा है। सबसे पहले आपको करना होगा ट्रस्ट वॉलेट का जो है वो आपको कॉपी कर लेना होगा, इसका जो इथेरियम का एड्रेस होता है वो आपको कॉपी कर लेना होगा। तो ट्रस्ट वॉलेट मैं खोल लिया है और यहां पर जाकर मैं कॉपी कर लेता हूं इथेरियम का एड्रेस। ठीक है, तो इथेरियम का एड्रेस कॉपी करने के लिए आपको सिंपल यहां जो इथेरियम पर क्लिक करना है, तो मैं यहां पर इथेरियम पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद यहां पर एक कॉपी का ऑप्शन है, अगर आप रिसीव करना चाहते हैं यहां भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप यहां पर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इथेरियम का एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास $3.42 का इथेरियम पड़ा हुआ है, जो 0.013 इथेरियम के आसपास होता है। तो मैं यहां पर सिंपली जो है सो कॉपी कर लेता हूं, ये मेरा इथेरियम एड्रेस को कॉपी हो गया है। अब आपको चले जाना है फिर से वजीरएक्स में, और वहां पर जाकर जो नेक्स्ट का प्रोसेस करना है। ये मैं वजीरएक्स में आ गया फिर से, और यहां पर इथेरियम पर क्लिक कर देते हैं। और मैं यहां पर जो टोटल इथेरियम है 0.54 इथेरियम, वो मैं टोटल वहां पर ट्रांसफर करने वाला हूं। तो ट्रांसफर करने के लिए फिर से यहाँ दो ऑप्शन आ गया है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो यहां पर आपको अगर ट्रांसफर करना है ट्रस्ट वॉलेट में तो विड्रो पे क्लिक करना है। ये मैंने विड्रो पे क्लिक कर दिया। यहां पर बोल रहा है डिस्टिनेशन एड्रेस, आप किस एड्रेस में इसको विड्रो करना चाहते हैं यानी कि ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैंने एड्रेस को कॉपी किया हुआ था, यहां थोड़ा देर पेस्ट करेंगे, यहां पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये मेरा पेस्ट हो गया। ठीक है, अमाउंट आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं यहां पर पूछ रहा है, तो मैं विड्रो ऑल पे क्लिक कर दूंगा। और विड्रो ऑल पे क्लिक करने के बाद इसका जो अपना सारा कुछ यहां पर आ गया, और विड्रो फी यहां पर जो दिया हुआ है देखिए 0.01 इथेरियम में रहेगा, ये आपका विड्रो फी लिया जाएगा। और फाइनल अमाउंट जो आपके वॉलेट में पहुंचेगा ये यहां पर दिया हुआ है 0.053, यहां आपके इथेरियम वॉलेट में, सॉरी ट्रस्ट वॉलेट में यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, तो रिमार्क में कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये मैं डाल देता हूँ फंड। ठीक है, ये मैंने फंड डाल दिया, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्लाइड टू कंफर्म करने बोलेगा नीचे, तो ये स्लाइड टू कंफर्म कर लेते हैं। और आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर डाल लेना है। और आपके सबसे बड़ी बात है कि आपको जब यहां पर फंड ट्रांसफर करते हैं तो दो जगह ओटीपी आता है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, इस सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल सही रखा हुआ। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में आता है और एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मेल में आता है। दोनों जगह से आपको कंफर्म कर लेना पड़ता है तब आप यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट टू डिसीजन है और बिल्कुल सही रूप से यह सेटिंग किया हुआ वजीरएक्स में। ठीक है, तो मैं यहां पर सारे डिटेल डाल देता हूं, उसके नेक्स्ट प्रोसेस करता हूं। यहां पर मैं डाल लेता हूं ये ओटीपी, ये आ गया मेरा ऑटोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देते हैं, तो ये जो है हो चुका है। इसके बाद बोल रहा है अप्रूव योर ईमेल सेंड। ठीक है, इसमें अपना बोल रहा है कि आप ईमेल एड्रेस को चेक कीजिए और वहां पर जो है सो अप्रूव कर दीजिए। तो चलिए मैं ईमेल एड्रेस पर चला जाता हूँ, वहां पर अप्रूव कर देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया ईमेल एड्रेस में, यहाँ पर मेरे पास मेल आया हुआ है, इसको मुझे अप्रूव करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए अप्रूव करने के लिए, विड्रो के लिए बोल रहा है कि आपका ये किया हुआ है, और यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दे रहा है कि कैसे क्या आप करना चाह रहे हैं, किस डिवाइस से आपका रिक्वेस्ट लगा है, ये आप सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अप्रूव ईमेल पर कर देता हूँ। जब अप्रूव ईमेल करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि आपका अप्रूवल डन हो चुका है, अब आप जो है ट्रांसफर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मेरा मोबाइल नंबर मेल दोनों अप्रूव हो चुका है,
और सिंपली आपको फिर से चले जाना है यहाँ पर वजीर एक्स में और आपको ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ओके करेंगे यहाँ पर देखिए डिडक्शन हो गया, जो इथेरियम था वो यहाँ पर डिडक्ट हो गया है और यहाँ पर देखिए विड्रो का यहाँ डिटेल देख रहे हैं जो 0.534 यहाँ पर मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, अब चलिए ट्रस्ट वॉलेट देख लेते हैं वहां पर मेरा पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, देखिए यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा, पहले था 3.42 और जब यहाँ पर थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करेंगे ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, $134 के आसपास टोटल जो है इंक्लूड करके देख लीजिएगा, ये मेरे पास इथेरियम आ चुका है।